दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को दुनिया में महानतम बल्लेबाजों में गिना जाता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और शतक बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के ही नाम है। उन्हें भारत का सबसे बड़ा मैच विनर भी कहा जाता है। दुनिया के हर गेंदबाजी आक्रमण के सामने सचिन ने खुलकर रन बनाए। इन्हें टीम की कप्तान तब सौंपी गई जब कपिल देव को क्रिकेट छोड़े लगभग 4 बरस हो चुके थे और टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। चयनकर्ताओं को लगा कि एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर अच्छा योजनाकार और लीडर भी हो सकता है, मगर सचिन इन उम्मीदों पर खरे न उतर सके। टीम के कप्तान के रूप में सचिन ने 25 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्हें केवल 4 में ही जीत मिली, जबकि उनकी कप्तानी में खेले गए 73 एक दिवसीय मैचों में टीम ने मात्र 23 मैचों में ही जीत का स्वाद चखा। इससे पता लगता है कि कप्तानी के तौर पर वे बेहद असफल साबित हुए। सचिन की कप्तानी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, लेकिन चंदू बोर्डे चाहते थे कि मास्टर ब्लास्टर इस जिम्मेदारी को निभाते रहें। हालांकि सचिन ने बता दिया था कि वह अब कप्तानी नहीं करना चाहते हैं। सचिन ने 1996 से लेकर 2000 तक के बीच भारतीय टीम की कप्तानी की। इस बीच उन्होंने महसूस किया कि कप्तानी का असर उनकी बल्लेबाजी पर पड़ रहा है। बोर्डे ने बताया कि सचिन ने कहा कि मैं अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहता क्योंकि मैं टीम के लिए वह प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हूं जो करना चाहता। सचिन को कप्तान बनाकर ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था और उन्होंने वहां से वापस आने के बाद कहा कि वह अब कप्तान नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि सचिन के पास भले ही मजबूत टीम ना रही हो, लेकिन वह एक प्रेरक कप्तान भी नहीं थे। मदन लाल ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता कि सचिन एक अच्छा कप्तान नहीं था। समस्या बहुत सरल थी। वह वास्तव में अपने स्वयं के प्रदर्शन पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे, इसलिए कई बार उनके लिए टीम की देखभाल करना मुश्किल हो जाता था। मदनलाल ने आगे कहा कि एक कप्तान के रूप में आपको अपने स्वयं के प्रदर्शन पर ध्यान देने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना होता है कि टीम के बाकी खिलाड़ी अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। कप्तान के रूप में आपको खुद की परफॉर्मेंस के अलावा टीम के दूसरे खिलाड़ियों पर भी ध्यान देना होता है। कप्तान ही निर्देश दे सकता है। जब खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो कप्तान पर उनका विश्वास बढ़ जाता है। वह अच्छे खिलाड़ियों को बिना किसी झिझक मौका भी देता है। वह उन्हें चर्चा में शामिल करता है और खेल के बारे में मिलकर योजना बनाता है। दोस्तों, सचिन की इस कहानी से हम 3 बातें मुख्य रूप से सीख सकते हैं। सबसे पहले तो यह कि अगर आपकी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस अच्छी है तो यह जरूरी नहीं कि आप एक अच्छे लीडर भी बन पाए। दूसरी बात यह है कि लीडर बनने के लिए जो गुण आपको चाहिए वह अलग से विकसित करने पड़ेंगे। कड़ी मेहनत और लगन से आप ये गुण विकसित कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए लंबे समय तक प्रयास करना होगा। बीच में छोड़ने से बात नहीं बने। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लीडर बनने के लिए आपको अपने से पहले टीम को रखना होगा और टीम की परफॉर्मेंस के लिए व्यक्तिगत सेक्रिफाइस के लिए भी तैयार रहना होगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो अपने लीडरशिप के गुणों को परखिए और उन पर लगातार अनुशासन के साथ
काम करते रहिए और उन्हें निखारते रहिए, तो आप अवश्य ही एक सफल लीडर बन सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखकर अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा पाएंगे। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें। आपने बहुत ध्यान से यह वीडियो देखा उसके लिए और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।